फ्रांस को जारी बात है इंडिया की इस हवाले से जरूरत है, इंडिया क्योंकि ऑलरेडी क्वाड का मेंबर था और क्वाड में इंडिया की बड़ी अहमियत है। फ्रांस की अपनी बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो बहुत मजबूत है इंडिया के साथ। आपको याद होगा जो रिसेंटली एक G7 की मीटिंग हुई थी जिसमें फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमनुअल मैक्रों ने कहा था कि अमेरिका तो इंडो पैसिफिक में चला गया तो हमें किधर छोड़ के चला गया। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन। और उसके बाद अगर आपको याद हो कि जो क्वाड लीडर्स की जो मुलाकात जो वर्चुअल मीटिंग 12 मार्च को हुई थी, उसके बाद US डिफेंस सेक्रेटरी भी वहां पे चले गए और अभी जो है वो जॉन कैरी साहब भी जा रहे हैं। सो ये एक इंडिया की प्रॉपर फुल मेन स्ट्रीमिंग है जो हो रही है। और गो के इंडियंस और फ्रेंच ये कह रहे हैं कि ये जो मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं और हम चाइना के लिए ही ये सब हो रहा है ऑब्वियसली, और तो कोई इसमें पार्ट है नहीं है जिसके लिए ये सारा हो रहा है। सो इंडिया ये समझता है कि दिस इज द राइट टाइम टू ये सारी सिचुएशन को कैश इन करने का। एक तो इंडिया डज हैव अ पोटेंशियल टू इंगेज, सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया जो है उसको चीजें दी जा रही है, उनके वो पोटेंशियल भी है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ सोसाइटी बहुत बड़ी है, इकोनॉमी भी फ्लरिश कर रही है, फिर वो ग्रो भी कर रहे हैं। तो वो इनिशियली तो ये कहते हैं कि जो चाइना की इलीगल मैरिटाइम जो टेरिटोरियल क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, हम उनको देखेंगे। लेकिन ये भी एक डायमेंशन है कि इंडिया इन बड़े सारी पावर्स के साथ इंगेज करके, पर्टिकुलरली फ्रांस और क्वाड के साथ, तो अपना वो जो एक क्लाउट है उसको स्टैब्लिश कर रहा है। और इंडिया यहाँ पे ये है कि इंडिया ने अपने आप को ऑटोनोमस रखा हुआ है। जब इंडिया अपने आप को ऑटोनोमस रखता है तो इंडिया को एक टेक्निकल एडवांटेज मिल जाता है इस ऑटोनोमी का, क्योंकि वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट हर जगह से ले रहे हैं और इस खित्ते में अगर किसी को जगह चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, तो वो भारत ही है जो सर्वाइवल देता है। ये जो एक इन्फ्लुएंस है ये बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है। और मैं समझता हूँ कि अगले आने वाले कुछ सालों में जिस तरह कोई 50 साल का ट्रांस एटलांटिक पार्टनरशिप और जो एग्रीमेंट हुआ था पूरे यूरोप का और अमेरिका का, इस तरह का एक एग्रीमेंट जो है इस खित्ते में होने जा रहा है। और फ्रांस अपनी नेवल कैपेबिलिटी भी शो करना चाह रहा है, फ्रांस के पास जो एक न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी इस खित्ते में मौजूद है, और फ्रांस क्वाड के साथ मिलके जो बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाह रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान किस तरह अपने फुटप्रिंट एस्टेब्लिश कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इज एन इम्पोर्टेंट पार्टनर तो है मगरब का रहा है, लेकिन अभी द वे थिंग्स आर चेंजिंग, हमें हमने अपनी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे प्रॉपरली। वो इस तरह के हमें अब इंडो पैसिफिक की तरफ देखना है। मैंने रिसेंटली एक पेपर भी लिखा है which is in a process of publication and I foresee के जब बांग्लादेश पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हुए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, तो दैट वाज अ टाइम देन वी वर पार्ट ऑफ द सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो वी यूज्ड टू शेयर दैट एरिया, हम वहां पे जाया करते थे, उस खत्ते में हमारी थोड़ी बहुत वाकफियत थी। लेकिन उसके बाद फिर वो बांग्लादेश आया, बांग्लादेश ने अपना नाम भी बना लिया और हमने अपने आप को डीलिंक कर दिया एशिया पैसिफिक के उस सारे रीजन से। अभी हमें अपनी हमारे अपनी एक ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी है पाकिस्तान की, जिसको हमें अगर प्रॉपरली मटीरियलाइज करना है। बाय द वे 2020 पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी के नाम रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज ईयर ऑफ ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, लेकिन उसकी वो नाम तो रख लेते हैं लेकिन उसकी जो प्रॉपर मैनिफेस्टेशन इन दी एंटायर वो जो सोसाइटी में, इंडस्ट्री में, या वो नजर नहीं आती। इसके अलावा पाकिस्तान और फ्रांस की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप है, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर फ्रांस से लिया हुआ, लेकिन हमने फ्रांस से ताल्लुकात इसलिए खराब कर लिए क्योंकि हम ये मजहबी चीजों में पड़ गए और इस्लामोफोबिया और इस तरह की बहस में हम पड़ गए। सो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू लुक इन टू इट के अगर फ्रांस जो है वो इंडिया के साथ तो एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन शेयर कर रहा है, तो हम जितने भी जो यूरोपियन और वेस्टर्न ममालिक हैं, पर्टिकुलरली नेटो, इनके साथ वन बाय वन एंगेज होने की जरूरत है। और हमें थोड़ा बाहर ग्लोबल सोचना पड़ेगा अगर हम इस तरह की नेवल एक्सरसाइजेस का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस तरह इस सिस्टम